हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ब्रांड स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने ब्रांड के बारे में पढ़ा, ब्रांड का नाम सेलेक्शन, ब्रांड को हम कैसे, ब्रांड को हम अपने प्रोडक्ट में यूज़ करें या नहीं करें, उनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम बात करेंगे ब्रांड की स्ट्रेटजी के बारे में कि जब एक व्यावसायिक फॉर्म द्वारा अपनाई जाने वाली जो ब्रांड होती है उससे रिलेटेड कुछ स्ट्रेटजी होती है जो एक फर्म हमेशा यूज़ करती है। तो आइए उन स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटजी है जो एक फर्म अपनी ब्रांड के लिए यूज़ करती है जिससे उसको इजीली सक्सेस मिल सके। तो सबसे पहली है ब्रांड स्ट्रेटजी में निर्माताओं द्वारा अपनाई जाने वाली ब्रांड व्यूहरचना। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस व्यूहरचना के अंतर्गत निर्माता निम्न नीति अपना सकता है। सबसे पहला, निर्माता सभी उत्पादनों का विपणन स्वयं के नाम से करे। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है आपका कि वो जो प्रोड्यूसर है वो खुद के नाम से क्या करे, प्रोडक्ट्स को सेल करे, यानी खुद का नाम ही क्या बना दे, वो ब्रांड बना दे। निर्माता सभी उत्पादों का विपणन स्वयं के नाम से करे। ठीक है, इस प्रकार की व्यूहरचना से निर्माता को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहला बेनिफिट्स, एडवर्टाइजिंग में हेल्प मिलेगी। हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हेल्प इन एडवर्टाइजिंग। सेकेंड है हमारा मार्केट कंट्रोल हो सकता है, मार्केट कंट्रोल हो सकता है। देखिए सीधी सी सिंपल सी बात है, इस जो हमारी फर्स्ट स्ट्रेटजी कौन सी थी कि निर्माताओं द्वारा अपनाई जाने वाली ब्रांड। अब देखिए निर्माताएं कौन कौन सी ब्रांड यूज़ करते हैं, एक प्रोड्यूसर कौन कौन सी स्ट्रेटजी ब्रांड से रिलेटेड उनको यूज़ करता है। सबसे पहले हमने देखी है, बात की है निर्माता सभी उत्पादों का विपणन स्वयं के नाम से करे या कर सकता है। ठीक है कि अगर निर्माता खुद के प्रोडक्ट्स को खुद का ही नाम देकर वो सेल करवाए या खुद के नाम से ही बिकवाए तो वो क्या होगा, एक ब्रांड की स्ट्रेटजी हो जाएगी। यहाँ पर नाम किसका यूज हो रहा है, ब्रांड कौन है, हमारा प्रोड्यूसर। क्लियर है। अब बात करते हैं कि प्रोड्यूसर अगर हम इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं तो हमको बेनिफिट्स क्या होंगे, एक प्रोड्यूसर को क्या बेनिफिट होगा अगर उसका नाम उसके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग यूज भी करे तो एज अ ब्रांड। सबसे पहला हेल्प इन एडवर्टाइजिंग, सेकेंड है मार्केट पर कंट्रोल हो सकता है, फिर है हमारा कि फिर है हमारा प्राइस फिर है प्राइस फिर नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है कि उत्पाद मिश्रण में सुविधा जैसे लाभ प्राप्त हो सके, प्रोडक्ट मिक्स के बेनिफिट्स मिल सके। क्लियर है यहाँ तक, ये बात समझ आई आपको कि क्या क्या अगर खुद के नाम का यूज करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। किंतु निम्न समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है अगर हम खुद का नाम यूज करें तो हमको बेनिफिट्स पता चल गए। आइए अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी प्रॉब्लम जो है जिनको अगर हम खुद का नाम एज ए ब्रांड यूज करें तो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। सबसे पहले कि वस्तु की किस्म को निरंतर अच्छा बनाए रखना, यानी कि आप क्वालिटी कैसी दोगे, क्वालिटी कभी भी लो नहीं होनी चाहिए, बेटर ही होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। क्लियर है। फिर है आपका मध्यस्थों का सहयोग मिलना कठिन हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे जो भी मीडिएटर है वो हमको हेल्प नहीं करते हैं,
प्रॉब्लम क्रिएट, प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय मिडलमैन। फिर है आपका विज्ञापन और संवर्धन पर भारी ध्यान देना जरूरी है। अगर हम खुद का नाम यूज करते हैं तो यहाँ पर हमको एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन पर कंसंट्रेशन करना होगा, यानी हम यहाँ कह सकते हैं एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन पर हमको क्या करना है, ज़्यादा ध्यान देना है। तो एक कंपनी के लिए सेल्स प्रमोशन से ज़्यादा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं जिन पर वो ध्यान लगा सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हमको फेस करना पड़ता है। तो चलिए, सबसे पहला आपको समझ आ गया, पहला कौन सा था हमारा? सबसे पहला था कि निर्माताओं द्वारा अपनाई जाने वाली, सबसे पहला पॉइंट था ये आपका। उसका सब पॉइंट जो था ये था कि निर्माता सभी उत्पादों का विपणन स्वयं के नाम से करे, ठीक है। अब सेकेंड में जो है, निर्माता माल उत्पाद उत्पादन के बिना ब्रांड के मध्यस्थों को सौंप सकता है, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि निर्माता माल उत्पादन के बिना उत्पादन के बाद बिना ब्रांड के मध्यस्थ को सौंप सकता है। पॉइंट कुछ समझ आ रहा है, क्या कहना चाह रहा है ये? देखिए, फर्स्ट पॉइंट में क्या था हमारा कि निर्माता सभी उत्पादों को खुद के नाम से सेल करे। अब यहां क्या बता रहा है कि प्रोड्यूसर माल रेडी कर देता है, प्रोडक्ट बना देता है। प्रोडक्ट बनाने के बाद वो क्या करता है कि बिना किसी ब्रांडिंग के वो किसको सौंप सकता है? वो मध्यस्थों को दे सकता है। क्लियर है यहां पर? अब देखिए कि मध्यस्थों को ब्रांड के अंतर्गत विपणन किया जाता है। इस व्यूह रचना से निर्माता अपने उत्पत्ति साधनों का प्रभावी उपयोग कर सकता है और ब्रांड के उत्तरदायित्व से बच सकता है। वो क्या कर सकता है? अपने साधनों का उपयोग कर सकता है, बेहतर उपयोग कर सकता है और ब्रांडिंग के उत्तरदायित्व से भी वो बच सकता है के उत्तरदायित्व से भी वो बच सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, इसलिए काम और वर्कलोड भी ज्यादा होता है। क्लियर है यहां पर? ये देखो, ये तो है हमारे एडवांटेज या बेनिफिट्स कह सकते हैं। अभी मैंने बताया कि हर स्ट्रेटेजी के, आप हर किसी चीज के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। अगर बेनिफिट्स है तो किसी ने उसको क्रिटिसाइज भी किया होगा। तो आप देखते हैं कि अगर ब्रांड के बिना अगर प्रोड्यूसर मीडिएटर को देता है तो बेनिफिट्स तो ये होंगे कि साधनों का बेहतर उपयोग हो सकता है। सेकेंड है कि जो प्रोड्यूसर बिना ब्रांड के मीडिएटर को दे रहा है, उसको ब्रांडिंग के रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो क्या हो सकता है? फ्री हो सकता है। अब बात करते हैं डिस प्रॉब्लम्स की। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है कि मध्यस्थों की दशा पर निर्भर करता है। मध्यस्थों की दशा पर निर्भरता होती है। देखो, आप अगर ब्रांडिंग नहीं करोगे तो मध्यस्थ तो करेंगे। मध्यस्थ की दशा कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। फिर है आपका, मध्यस्थों द्वारा एक स्थिति के बाद निर्माता के साथ असहयोग भी किया जाता है, कॉरपोरेशन नहीं किया जाता है। एक टाइम तक ही वो कॉरपोरेट करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं? कॉरपोरेशन के लिए मना कर देते हैं। क्लियर है यहाँ पर? ये बात समझ आई आपको? तो ये थी हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी। कौन सी थी? निर्माताओं द्वारा, ये हमारी फर्स्ट, ठीक है, निर्माताओं द्वारा अपनाई जाने वाली ब्रांड व्यूह रचना।
इसमें दो थी, निर्माताओं सभी उत्पादों का विपणन स्वयं के नाम से करे। सेकेंड थी कि वो माल का उत्पादन तो कर दे, उसके बाद वो क्या करे, ब्रांड का नाम खुद सेलेक्ट नहीं करे और बिना ब्रांड के ही मीडिएटर को दे दे। अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंड स्ट्रेटेजी की, मध्यस्थ द्वारा अपनाई जाने वाली। सबसे पहली हमने पढ़ी थी निर्माताओं द्वारा, अब बात करते हैं मध्यस्थों द्वारा अपनाई जाने वाली, मध्यस्थों द्वारा अपनाई जाने वाली व्यूहरचना। ये क्या कहती हैं, देखिए ये कहती है कि इसमें आप इन दो व्यू, हमने जो फर्स्ट वाली पढ़ी उसमें भी हमने दो स्ट्रेटजी को पढ़ा, तो इसमें भी हम कुछ स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो आपकी स्ट्रेटजी होगी कि मध्यस्थ स्वयं की ब्रांड नीति का प्रयोग न करके निर्माताओं की ब्रांड के अंतर्गत ही वस्तुओं का विपणन करे। मध्यस्थ क्या करे, खुद की स्वयं की कोई भी ब्रांड नहीं खरीदे, स्वयं की ब्रांड ना हो ठीक है। यूज किसकी करती है, निर्माताओं के ब्रांड का, निर्माताओं की ब्रांड, ठीक है। सबसे पहला, सेकेंड क्या है हमारा कि मध्यस्थ निर्माताओं के ब्रांड के साथ साथ स्वयं के ब्रांड का भी यूज करे, स्वयं की ब्रांड प्लस निर्माताओं की ब्रांड, दोनों का यूज करके वो क्या करे, प्रोडक्शन को, जो भी प्रोडक्ट्स आए हैं उनको सेल करे। क्लियर है यहाँ तक, समझ आ रहा है आप लोगों को? इसमें दो ही है, इस स्ट्रेटजी में दो ही आपको सब स्ट्रेटजी दे रखी है। सबसे पहली है आपकी कि स्वयं की ब्रांड ना हो, ब्रांड किसकी हो, निर्माताओं की। सेकेंड में ये कहा गया है कि स्वयं की ब्रांड भी हो, स्वयं की ब्रांड का भी प्रयोग करें और उसके साथ साथ आप निर्माताओं की ब्रांड का भी प्रयोग करें। प्रथम स्थिति में इसमें ब्रांड खुद की नहीं होती है तो मीडिएटर रिलैक्स फील कर सकते हैं, मीडिएटर रिलैक्स हो सकते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। फिर है क्योंकि निर्माता ब्रांड प्राय लोकप्रिय होते हैं। एक बात बताओ, बाटा कंपनी किसी की मोहताज है कि कोई आके उसका अलग से सेल्स प्रमोशन करे, या कोई दुकानदार बताता है कि बाटा इस तरह का है या नाइकी के इस तरह के शूज वगैरह आते हैं या स्लीपर वगैरह आते हैं, कोई करता है नहीं। क्यों? क्योंकि जहां से वो प्रोडक्शन हुआ है, जहां उसका निर्माता है, निर्माता की ब्रांड वैसे भी बहुत पॉपुलर है, तो इस वजह से जो भी सेल कर रहा है मीडिएटर, उसको उसकी ब्रांड का यूज करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड है आपका कि मध्यस्थों के लिए, सेकेंड हमने जो बात की मध्यस्थों की ब्रांड और निर्माताओं की ब्रांड, इन दोनों के लिए मध्यस्थों के उस समय ही लाभप्रद हो सकता है जब उन्होंने ग्राहकों का विश्वास जीत लिया। ये स्ट्रेटजी तभी काम आएगी जब कस्टमर क्या करते हो, आप पर ट्रस्ट करते हो, आप पर फेथ रखते हो, ठीक है, विश्वास रखते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं कि ये जो मीडिएटर है, ये जो रिटेलर है, वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल को जानता है और सेटिस्फेक्शन लेवल के अनुसार कस्टमर की डिजायर वांट्स को कंप्लीट करेगा। क्लियर है यहाँ पर? ये थी हमारी सेकेंड। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं, चलिए। थर्ड है हमारी अदर ब्रांड स्ट्रेटजी यानी अन्य व्यूहरचनाएं। बहुत समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पर्पज से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका क्वेश्चन हर बार बनता है, छोटे क्वेश्चन भी आते हैं और बड़े भी आते हैं। सबसे पहली इसमें देखिए, ब्रांड स्ट्रेटजी के बारे में अलग अलग ब्रांड के बारे में बताया गया है, तो सबसे पहली है आपकी इंडिविजुअल ब्रांड यानी हम कह सकते हैं व्यक्तिगत
ब्रांड, ठीक है चलिए। क्या होता है, इस नीति के अंतर्गत निर्माता अपनी प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग ब्रांड बनाता है। इसमें क्या करता है, निर्माता हर वस्तु के लिए अलग अलग ब्रांड बनाता है। समझ आया, सिंपल सा है ना, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें क्या कहा गया है इंडिविजुअल में, कि निर्माता हर वस्तु के लिए अलग अलग ब्रांड बनाता है, वो कौन सी है हमारी, इंडिविजुअल ब्रांड। नाम से ही पता चल रहा है इंडिविजुअल यानी अलग अलग हर किसी का। सेकेंड है हमारी फैमिली ब्रांड। देखिए इंडिविजुअल का पता चला है नाम से, वैसे के वैसे फैमिली ब्रांड का भी नाम से पता चल रहा है, ठीक है चलिए। क्या होता है फैमिली ब्रांड, इस नीति के अंतर्गत निर्माता अपने सभी उत्पादों को उत्पादों के लिए अपने सभी उत्पादों के लिए ब्रांड का नाम यूज करता है, के लिए ही ब्रांड का नाम यूज करता है, प्रयोग करता है, ठीक है। ये थी हमारी सेकेंड। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड कौन सी है हमारी, मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड। यहां पर हम कह सकते हैं निर्माता, वो फैमिली ब्रांड को हम कहते हैं पारिवारिक ब्रांड, ठीक है चलिए। इसके बारे में देख लेते हैं, ये क्या कहती है, अपने सभी उत्पादों के लिए स्वयं की ब्रांड का ही यूज करता है। सभी हम लिख देते हैं यहां पर, अपने सभी उत्पादों के लिए स्वयं की ब्रांड का सभी उत्... एक सेकेंड के लिए स्वयं की ब्रांड का यूज करता है। समझ आया, निर्माता ब्रांड अपने सभी उत्पादों के लिए स्वयं की ब्रांड का यूज करता है। चलिए फोर्थ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड। ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। चलिए वितरक ब्रांड इसको कहते हैं, कि इस नीति के अंतर्गत निर्माता अपने उत्पादों को बिना ब्रांडिंग किए ही मध्यस्थ को सौंप देते हैं। देखिए हमने यहाँ पर देखा है कि निर्माता माल उत्पादन के बाद बिना ब्रांडिंग के ही मध्यस्थों को सौंप देते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारी कौन सी ब्रांडिंग हुई, डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड। क्लियर है यहाँ तक, समझ आया। चलिए डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड यानी बिना ब्रांडिंग के ही मध्यस्थों को सौंप देना। समझ आया। देखिए जिसमें मध्यस्थ अपने नाम से उस उत्पादों का विपणन करते हैं। क्लियर है यहां पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ की, ठीक है। ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट और एग्जाम के पर्पज से ज्यादा आने वाली अम्ब्रेला ब्रांड। नाम थोड़ा यूनिक है इसलिए एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यह पारिवारिक ब्रांड का ही एक रूप है, ये फैमिली जो ब्रांड है उसी का एक फॉर्मेट है, जिसमें सभी उत्पादों के लिए समान ब्रांड नाम यूज किया जाता है।
सभी उत्पादों के लिए के लिए समान ब्रांड का यूज किया जाता है। फिर है आपका फाइटिंग ब्रांड। नाम थोड़े अलग है ना, फाइटिंग ब्रांड। देखिए, फाइटिंग ब्रांड क्या होता है? ये एक ऐसी नीति है जिसका प्रयोग निर्माताओं द्वारा बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किया जाता है। जब ज़्यादा कंपटीशन हो, जब हमारे मार्केट में हाई कंपटीशन हो और अगर हमको अपनी प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो हमको क्या करना है? फाइटिंग ब्रांड का यूज़ करना है। क्लियर है यहाँ पर? लास्ट है हमारी नेशन ब्रांड। लास्ट है हमारी नेशन ब्रांड। क्या होता है नेशन ब्रांड, उसके बारे में? नेशन ब्रांड यानी राष्ट्रीय ब्रांड। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय ब्रांड यानी क्या होता है कि जब निर्माता या उत्पादक संपूर्ण राष्ट्र में बिना किसी वस्तु के वितरण हेतु संपूर्ण राष्ट्र में किसी वस्तु के वितरण हेतु स्वयं के ब्रांड का यूज करे तो उसको यानी निर्माता संपूर्ण राष्ट्र में किसी वस्तु के वितरण में वितरण हेतु स्वयं की ब्रांड का प्रयोग करता है तो वो कौन सी ब्रांड होगी? आपकी नेशन ब्रांड। क्लियर है यहाँ पर? ये थी हमारी आज की हमारी सारी स्ट्रेटजी। देखिए एक बार अदर स्ट्रेटजी की वापस सारी देख लेते हैं। इंडिविजुअल ब्रांड का मतलब क्या होता है? निर्माता हर वस्तु के लिए क्या करता है? अलग अलग ब्रांड बनाता है। फैमिली ब्रांड का मतलब क्या है कि सभी उत्पादों के लिए ही ब्रांड का, जितने भी उत्पाद बने हैं उन सभी के लिए क्या बनाया गया है? ब्रांड का नाम यूज किया गया है। फिर है आपका मैन्युफैक्चर ब्रांड यानी कि अपने सभी उत्पादों के लिए स्वयं की ब्रांड का यूज करना। फिर है डिस्ट्रीब्यूटर यानी बिना ब्रांडिंग के ही अपने प्रोडक्ट्स का दे देना, मध्यस्थों को दे देना। फिर मध्यस्थ अपने हिसाब से उसकी मार्केटिंग करते हैं। देन उसके बाद अम्ब्रेला ब्रांड यानी कि सभी उत्पादों के लिए समान ब्रांड का यूज करना, एक जैसी ब्रांड होनी चाहिए। फाइटिंग यानी जब आपका कंपटीशन मार्केट में ज़्यादा है तो आप कौन सी यूज कर सकते हो? फाइटिंग ब्रांड। देन उसके बाद लास्ट हमारी है नेशन ब्रांड। नेशन ब्रांड यानी कि संपूर्ण राष्ट्रीय में किसी वस्तु के वितरण हेतु यानी कि पूरी आपके जो भी कंट्री आपका जो भी देश है उसमें किसी भी वस्तु के डिस्ट्रीब्यूशन हेतु खुद की ब्रांड को यूज करना नेशन ब्रांड मानी जाती है। तो ये आपकी आज की जो तीन स्ट्रेटजी है वो ये है। सबसे पहली कौन सी थी? निर्माताओं द्वारा अपनाई जाने वाली, एक प्रोड्यूसर जो यूज करता है वो स्ट्रेटजी। फिर आती है आपकी मीडिएटर जो यूज करता है वो स्ट्रेटजी। उसके बाद आती है आपकी अदर ब्रांड स्ट्रेटजी। क्लियर है यहाँ पर? अदर ब्रांड में हमने ये देखे थे सारे। क्लियर है? तो आज की क्लास ब्रांड स्ट्रेटजी जो हमारा टॉपिक था वो हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ज़रूर कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। आज की